Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. हमें आज सुबह 11-12 बजे सूचना मिली कि अपने नाड़ी वाले बालाजी गौशाला में एक गोवंश का ट्रक भर रहा है, जो अवैध रूप से भर रहा है। और जब हम वहाँ जाके हमने जानकारी की तो बिल्कुल अवैध था, न तो उनके पास एचडीपी परमिशन थी और न उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट था। तो हमने उनसे पूछताछ की तो वो इधर उधर किनारा करने लगे। जब उन्हें महाराज से पूछा कि आपने क्या गोवंश ट्रक भरा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ भरा रहा हूँ, मैंने 21 रुपये एक गोवंश का बेचा है, एक गोवंश बेचा है। कितने गोवंश भरे हुए थे उसमें? 4 भरे थे और 7-4 और भरे थे, मतलब 7-8 की उनकी बात थी। और जब हमने जानकारी की, पर्ची देखी, तो उसमें पर्ची में 5 ही गोवंश थे और 2 उन्होंने अवैध रूप से भरा रहे थे। इसके बाद में थाने में सूचना कर दी, थाने वाले आ गए, थाने वाले ट्रक को यहाँ लेके आ गए थाने में और महाराज श्री को लेके आ गए। पूछताछ चल रही है। आपने मामला दर्ज कराया? हमने रिपोर्ट दी है सीआई साहब को, सीआई साहब जाने वाले उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। आपका नाम? गोपाल शर्मा, जिला प्रमुख, शिवसेना हिंदुस्तान। क्या बात हुई थी आज? सर, हमको सूचना मिली मंजिला रोड पे नाड़ी वाले बालाजी गौशाला में गायों का अवैध ट्रक भरते हुए, तो हम वहाँ पहुँचे। पहुँच के छानबीन करी तो देखा वहाँ ट्रक लगा हुआ था, उसमें 4 गोवंश भरे हुए थे और 3-4 गोवंश बाहर बंधे हुए थे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने महाराज से लिए, तो महाराज से बात करी, महाराज ने कहा भाई 2100 रुपये गोवंश के हिसाब से मैंने इनको गोवंश बेचे। तो फिर उनसे को कागज वगैरह मांगे? कागज मांगे थे उनसे, तो उन्होंने परमिशन दिखाई थी, लेकिन यहाँ की कोई परमिशन नहीं थी उनके पास। एसडीएम की परमिशन के बारे में पूछा तो वो भी उनके पास नहीं थी। मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी उनके पास नहीं था। किसी भी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई उनके पास पूरी नहीं थी। आपने थाने वगैरह में सूचना दी? हाँ, थाने वगैरह में सूचना दी, फिर थाने की गाड़ी गई, वहाँ उनको थाने लेके आ गए, उनके नाम रिपोर्ट दे दिए। आपका नाम? राजू खटाना।